और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा, गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं ऐसे ही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं, ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कंपटीटर हैं हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कॉम्पिटिशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पर। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है, और मुझे लगा था कि ये मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था, और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वॉज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फ़ोन आ गए हैं, जेल वालों के फ़ोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी मुझे लगता है कि मेरा, मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था, और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कॉम्पिटिशन खेल रहा हूँ उसमें वो पसीना आ रहा था, आँखों भी गिर रहे थे, और मैंने सिर पर वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख ली, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है।